हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है? क्योंकि अभी देखो ना, ये हॉल इतना अच्छा है, एकदम अंधेरा हो गया, और अब बाहर निकलने जाओगे तो टकराव नहीं हो जाएंगे? आपकी आंखें अच्छी नहीं है? अरे आंखें तो बहुत अच्छी है, मगर अंधेरा है, तो कुर्सी के साथ टकराव जाओगे, स्लोप में किधर गिर जाओगे, आदमी के साथ टकरा जाते हो, तो अंधेरा है, इसके लिए टकराव हो जाते, एक दूसरे को दुख हो जाता है। और जब प्रकाश हो गया तो, अरे कम दिखता आएगा तो भी धीरे धीरे निकल जाएगा, किसी के साथ टकराएगा नहीं। तो ये अज्ञानता के वजह से सब प्रकार के दुख है, और ज्ञान हो गया तो सब प्रकार के दुख की परिस्थिति रहेगी, वही कुर्सी है, आदमी लोग है, इधर उधर सब ऐसे के वैसे ही रहेगा। पर हमारे पास प्रकाश है तो हम किसी से टकराएंगे नहीं, मतभेद नहीं हो जाएगा, हम बाहर निकल जाएंगे। तो ये अज्ञानता और ज्ञान का इतना अंतर है, समझ में आया? हाँ जी, हमारे दुख का कारण क्या है? वही अज्ञानता है। अभी देखो, इस जवानी में हम कितना दौड़ते हैं, कूदते हैं, बुढ़ापा में कुछ शरीर को फ्रैक्चर भी आ जाता है, कुछ ना कुछ तकलीफ आती है, पर ये शरीर का स्वभाव ही ऐसा है, भूख लगेगी, खाना खाओगे तो मज़ा आएगी, वापस भूख लगेगी। तो इस सुख दुख का फल शरीर को आते ही रहता है, पर हमें अज्ञानता से लगता है मुझे क्यों ऐसे आया। पर दुख रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात भी आती है, तो हमें ये समझना चाहिए रात और दिन कहाँ परिवर्तन होता है, किसको इफेक्ट होती है, और मैं खुद कौन हूँ, और वो जानने के बाद हमें दुख सुख टच होना बंद हो जाएगा। बाकी समझ लो, किसी ने अपमान किया, आप ऐसी हो वैसी हो, तुम्हें अक्ल नहीं है, समझती नहीं, बेवकूफ़ हो, तो हमें कितना गुस्सा आ जाता है। अभी अपमान वो हमारा कर्म फल था, पर उसी टाइम हम दूसरे बीच भी डालते हैं, सर तेरे को देख लूँगा, मैं छोड़ूंगी नहीं, क्या समझता है तेरे मन में, कितनी मेरी इंसल्ट की, मैं देखूंगी, मेरे हस्बैंड को बताऊंगी, सब तेरे को बराबर सीधा करेंगे। तभी ये दूसरा जो बांधते हैं वो अज्ञानता से हम कर्म बांधते हैं, और वही कर्म का जब फल आएगा तो वैर बढ़ेगा, तब लगता है मुझे क्यों दुख आता है, पर सचमुच हमने ही बांधा, हमें दुख भुगतना पड़ता है। कभी कोई डॉक्टर देखते हैं तो हो जाता, ये बहुत काम लगेगा, क्यों, हार्ट का स्पेशलिस्ट है, कभी हार्ट अटैक आ गया तो फ़ायदा मिलेगा हमें इनका। देखो, हम हार्ट अटैक को इन्विटेशन देते हैं। अभी डॉक्टर अच्छा है तो फिर आप क्यों सोचते हैं मुझे काम आएगा, पर ऐसे हम भाव करते हैं, वो भाव से ही हम गुनाह बांध लेते हैं, और गुनाह का जब दंड आता है कोई भी निमित्त द्वारा, तब हमें लगता है मुझे दुख क्यों देता है ये आदमी, वो नहीं दे रहा है, हमारे कर्म ही हमें दुख देते हैं, कर्म का फल आने के टाइम। जैसे एक आदमी ने चोरी की तो पुलिस वाला उसको जेल में डालेगा, मारेगा, तो पुलिस वाला दुख नहीं देता है, उसने जो गुनाह किया उसका दंड कोई निमित्त से मिलता है उसको। नया गुनाह बंद करो, किसी ने अपमान किया तो जमा करो, वापस नई धीरधार मत करो, गुना दूसरा खड़ा मत करो, कि भाई मैंने 3 गाली भेजी तो 3 आई वापस, जमा करो। हम 3 गाली खाने के बाद दूसरी 25 गाली मन में देते हैं, और जब 25 देंगे तो 50 दूसरी हमें सुनाएगा, हम गुनाह करते कहाँ वो हमें समझ में नहीं आता है। और गुनाह बंद हो गया तो धीरे धीरे पिछले कर्म के फल से दुख आना आते जाएंगे, पूरे भी होते जाएंगे, नए दुख आने बंद हो जाएंगे। तो गए गुनाह बंद करो तो दुख आने का बंद हो जाएगा, जिंदगी हमारी ऐसी रहेगी? नहीं, अच्छी होगी। अब देखो, एक बात सच्ची बताओ, ये संसार में दुख नहीं आता था तो यहाँ आप नहीं आते थे, तो आत्मा का ज्ञान नहीं मिलता था आपको, मोह में मौज में संसार में मस्ती में रहते थे। ये दुख आया तो हमें समझ में आया कि संसार में कितना सच्चा कितना झूठा, कितना अच्छा कितना बुरा, और सच्ची बात क्या है, आत्मा जानने जैसा है। शांति के लिए हम ढूंढने गए तो हमें तो आध्यात्मिक मार्ग मिल गया, और यानी संसार में हमें दुख आया तो नुकसान नहीं हुआ, हमें आध्यात्मिक लिंक मिल गई, यानी नुकसान नहीं हुआ। अभी एक लिंक अच्छी हुई, आत्मा का ज्ञान मिलेगा तो संसार में भी सुख शांति समृद्धि बढ़ते जाएगी क्या? पर आप संसार अच्छा हो जाने के लिए आत्मा का ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें जन्म इस संसार में शरीर लिया है तो दुख आके रहेगा ही, जन्म होता है कितना दुख भुगतना, दांत के उत्पन्न होते हैं तो भी दुख आता है, दांत गिरेगे तो भी दुख आएगा, दुख का ही संसार है, दुख के समुद्र में है हम, और आत्मा दुख टच नहीं होता, ऐसी जगह है सेफ साइड वाली जगह, और ये ज्ञान प्राप्त होने से वो हमें सेफ साइड वाली जगह मिल जाएगी। आपके मैंने फर्स्ट टाइम दर्शन किए हैं, बड़ा अच्छा लगा दर्शन करके आपके। हाँ, रोहित कुमार सर, मेरा
बचपन में मानसिक संतुलन बिगड़ गया था जी सर, अब मुझे डर रहता है कि फिर ऐसा ना हो जाए, इसके लिए मैं क्या करूँ जी? अभी अभी यहाँ तक आए, सच्ची हॉस्पिटल मिल गई, सच्चे डॉक्टर मिल गए, सच्चा निदान मिल गया, अभी दवाई करते रहो आत्मा की, ये ज्ञान ले लो और जागृति में रहो तो सब सब नॉर्मलिटी में आते जाएगा, विचार वाणी वर्तन निरोगी होते जाएंगे। क्या मुझे हो गया मानने से सब बिगड़ जाता है, और किसको होता है और मैं कौन हूँ, जागृति में रहेंगे सब निरोगी होते जाएगा। ये रोहित कुमार को होता है और मैं शुद्धात्मा हूँ, यह ज्ञान मिलने से सब निरोगी होते जाएगा। क्या जुदा रखने का, रोहित कुमार को जुदा रखो और आत्मा की जागृति में रहो, ये ज्ञान मिलने के बाद वो आपको चाबी मिल जाएगी। जय सच्चिदानंद। राम रंजन मंडल। व्यवहार में अगर कोई गलत कर रहा है उससे किस प्रकार मैं टोकूं जिससे उसे दुख ना हो? मतलब क्या नाम आपका? राम रंजन मंडल। क्या होता है व्यवहार में? व्यवहार में अगर कोई गलत कर रहा है तो? कोई गलत कर रहा है आपके साथ में कि किसी के साथ में? किसी के साथ में, तो मुझे भी और आदर्श के साथ में, तो उसे किस प्रकार टोकूं जिससे उसे दुख ना हो? वो तो भी उसकी गलती, देखो वो गलत कर रहा है, वो हमारे से छोटा है या बड़ा है? बड़ा है। तो फिर क्या कर सकते हो, उसको कुछ बोलने जाएंगे तो बोलेगा मेरे पीछे मत पड़, मैं जो कर रहा हूँ सही है। तो मन में प्रार्थना करो उसके शुद्धात्मा को, भाई साहब की गलती छूटे और शांति मिले, किसी को दुख ना हो जाए, ऐसा व्यवहार करें। मेरे ज्ञान ले ज़्यादा नहीं, लास्ट टाइम आप दिल्ली आए तो उसी टाइम मैंने ज्ञान लिया था। हाँ तो अभी मैं शुद्धात्मा हूँ समझ में आया ना आपको? डेफिनेटली। थोड़ी थोड़ी जागृति रहती है ना? हाँ। बहुत अच्छा। अभी अभी उनके लिए क्या है कि कोई गलत कर रहा है तो हमें तो पूछने का, आपको मैं सच्ची बात बताऊं, आपको जानना है। देखो यहाँ बोले हाँ मुझे बताओ, तो मेरे दृष्टि से लगता है कि सही नहीं हो रहा है, मेरी दृष्टि से ऐसे बोलने का, और वो समझ गया क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है ऐसे करो तो अच्छा है, डिसीजन उनको लेने दो, इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं। इन्फॉर्मेशन वैसे तो सेंटीमेंटल में ले लेते हैं ना, तो फिर मत बोलो, और आपके हाजिरी में किया नहीं किया, हाजिरी में किया तो करते ही रहेगा, आप क्या कर सकते हो? मुझे बोलना पड़ेगा ना उसको, तो किस तरह मैं बोलूँ जिससे वो उसके आत्मा को प्रार्थना करो कि मेरे मेरी वाणी ऐसे निकलो कि उनके मन वचन काय को दुख ना हो जाए, इसके अहंकार को दुख ना हो जाए, ऐसी वाणी निकलो, प्रार्थना करके बोल सकते हो। और लगता है कि उनको दुख हो रहा है तो मौन हो जाओ, बोलना बंद करो, मन से ही प्रार्थना करो। समझ में आता है आपको? ठीक है। जैसे नीलाद्री मिश्रा, मुझे निरंतर ज्ञाता डिस्टर्ब ज्ञाता रास्ता के लिए क्या करना चाहिए? आपने ज्ञान लिया ना? तो पांच आज्ञा में रहो, पांच आज्ञा का फल ही ज्ञाता दृष्टा है। पहली आज्ञा क्या बताती? नीलाद्री जुदा है, मैं शुद्धात्मा हूँ। सामने वाले को भी जुदा देखो, वो चंदू जुदा है, शुद्धात्मा जुदा है। तो ये जागृति में रहोगे तो उसका फल ज्ञाता दृष्टा रह सकेगे। हुआ सो रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, किसी को दोषित मत देखो, काम बिगड़ा सुधरा किसी ने किया ही नहीं, सब संजोग के वजह से होता है। तब संजोग को देखने जाते हो, अकर्ता देखते हो, तब आप ज्ञाता दृष्टा ही हो। तो आज्ञा पालन करने से ही आप ज्ञाता दृष्टा में रह सकोगे। और फाइल का समभाव से निकाल करना है, और समभाव में राग द्वेष नहीं होएगा, कर्ता भोक्ता है वहाँ तक राग द्वेष है, और आप राग द्वेष नहीं करोगे तो ज्ञाता दृष्टा में रह सकोगे। संभाव से निकाल करते हो तो आप ज्ञाता दृष्टा में आ ही जाओगे। फाइल खड़ी हो गई, संभाव से निकाल गया तो वापस आप ज्ञाता दृष्टा में रह सकोगे। कोई स्टेप नहीं है जे? स्टेप है ना पांच आज्ञा पालन करने का, रोज सुबह निश्चय करने का, मुझे दादाजी की पांच आज्ञा में रहना है। और सारे दिन में पांच आज्ञा कहाँ भूलचुक हो जाती है चेक करो और वापस रिसेट करते जाओ। रात को सोने से पहले अच्छी तरह 10-15 मिनट निकालो, कितने शुद्धात्मा देखने के रह गए, किसके साथ फाइल नहीं रखा, संभव कहाँ भूलचुक हो गई, किसके दोषित किसको दोषित देखे, सबके प्रतिक्रमण करो और वापस निश्चय करो पांच आज्ञा में रहना है। रोज का इतना पुरुषार्थ चालू रखो, देखो धीरे धीरे जागृति बहुत बढ़ते जाएगी। हमारा अनुभव है, मुझे दादाजी ने ये बात बताई थी 73 में कि दीपक के साथ बात करने की, जुदा रखो दीपक के साथ, और पांच आज्ञा कहाँ भूलचुक हो जाती है रोज चेक करने का, वापस सेट करने का, और शक्ति मांगने की, हे दादा भगवान मुझे एग्जैक्ट पांच आज्ञा में रहने की शक्ति दो। तो 3-4 साल में तो जागृति बहुत बड़ी ऊँची आ गई। तो अभी ये प्रयोग करके देखो, नीलाद्री के साथ बात करने के कुछ भी गलती हो गई, नीलाद्री किसी को दुख हो गया तुम्हारे व्यवहार से,
आप अच्छी तरह प्रतिक्रमण करो, निश्चय करो किसी को दुख नहीं देना, जुदा रखो और नीलाद्री जुदा मैं शुद्धात्मा फाइल का संभाव से निकाल करो, हुआ सो व्यवस्थित। जितनी आज्ञा में रहोगे आपकी जागृति बढ़ते बढ़ते अनुभव तक पहुँचेगी। आपके जैसा हूँ मैं, हाँ यही ये रास्ता ये बताया आपको। और तीसरा सत्संग के परिचय में रहो, पांच आज्ञा में रहना, दूसरा नीलाद्री के साथ जुदापन की जागृति रखो, बातचीत का व्यवहार करो, और तीसरा सत्संग के परिचय में रहो। और बाद बाद दादाजी की किताब है, टीवी सत्संग है, इंटरनेट सत्संग है, VCD सत्संग है, सब टच में रहना। जय सच्चित बाबूलाल चौहान। सर्वप्रथम पूज्य श्री के शरणों में सत्सव नमन। जय सच्चित। पहला क्वेश्चन से मेरा, चरण विधि करते समय मन एवं चित्त स्थिर नहीं रहते हैं, एकाग्रचित कैसे रहे मार्गदर्शन के लिए? थोड़ा ऊंचा आवाज से बोलने का, हे निरागी निर्विकारी सच्चिदानंद स्वरूप। ऊंची आवाज से बोलोगे तो मन चित सब स्थिर हो जाएंगे। नहीं तो भी जाते हैं तो जाने दो उसको, तुझे जहाँ जाना है जा, मैं तो विधि में रहूंगा। आप उससे संबंध छोटा कर दो। ये मन विचार करते रहेगा, चित भटकते रहेगा, वो अशुद्धि है वहाँ तक वो भटक भटक होते रहेगा। धीरे धीरे वो भी आप जितना देखोगे चित कहाँ जाता है, मन क्या विचार करता है, तो धीरे धीरे वो शुद्ध होके एग्जॉस्ट हो जाएंगे। पर आप अपना पकड़ के रखो। देखो ये सत्संग चालू है तो कोई इधर से इधर जाता है, कोई इधर से इधर जाता है, इधर से पीछे चला, बच्चे लोग खेल के कुत्ते, तो हम ध्यान नहीं देते, हम अपनी बात में रहते, आप भी सुनने में रहते, मैं बोलने में ध्यान रखता हूँ क्या बोला जाता है, तो हमारी बात में कोई हरकत नहीं आती है। ये तो बीच में दूसरी चीज़ हो रही है और वो डिस्चार्ज परिणाम है। उसको पकड़ने भी मत जाओ, स्थिर करने भी मत जाओ, अपने आप देखो क्या हो रहा है और आप अपनी स्थिरता से विधि में रहो, वो धीरे धीरे अपने आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे। वो प्रयोग करके देखो क्या नहीं, और उसको बोलने का, तुझे जहाँ भटकना है भटक, अभी तो मैं 15 मिनट अच्छी तरह विधि कर रहा हूँ, तेरी और मेरी कोई लेने देने नहीं, तुझे जहाँ भटकना है भटक। और समझ लो आपको लगता है कि विचार आ रहे तो फिर 10 मिनट रुको, 2 मिनट 5 मिनट रुको, और पेन और कागज़ लेने का, बोल तेरा क्या इच्छा है, क्या क्या पेंडिंग वर्क है, सब पॉइंट लिख दो, चलो हो गया तुम्हारी बात, चलो अभी विधि करेंगे। तो मन में जो विचार आते हैं कुछ पेंडिंग वर्क के लिए आते होंगे, चित कुछ काम के लिए भटकता होगा, तो पॉइंट लिख देना का, देखो आधा घंटे के बाद में सब तुम्हारा सॉल्यूशन निकालूंगा, अभी मुझे विधि करने दो। ये प्रयोग करके देखो आप। मतलब उसको डांटते भी है मन? नहीं, डांटने का नहीं, उसके साथ समाधान लाने का। वो पड़ोसी है हमारे, जो बिजनेस में नहीं दो पार्टनर रहते हैं ना, एक ज़्यादा एक्टिव रहता है और एक ज़रा साइलेंट रहता है, वो ऑफिस कवर करता है, वो बाहर पार्टी को मिलता है, पेमेंट लेके आता है, नया सब दौड़ दौड़ करते रहता है, तो उसका स्वभाव ऐसा है, हमारा स्वभाव ऐसा है, तो हम दोनों मिल के काम करना है, तो कॉपरेशन करने का। देखो तुम्हारा क्या बात है मुझे बता दो, तो मन में कुछ दो चार दुविधा रहेगी, सब पॉइंट लिख देने का, तुम्हारा सॉल्यूशन बाद में निकालूंगा, अभी मुझे दादाजी की विधि करने दो, समाधान करो उसके साथ। हाँ, प्रयोग करके देखना। जिसरी दो क्वेश्चन मेरा और है, प्रतिक्रमण करते समय दोष का वर्गीकरण नहीं हो पाता, जैसे कौन सा दोष हुआ है, जैसे क्रोध का हुआ है, ये मतलब क्लियर नहीं हो पाता। कोई बात नहीं, मतलब जो दोष होता है उसको रिपीट कर देते हैं। हाँ, हरकत नहीं, प्रतिक्रमण तो होता है ना। हाँ जी, सामने वाले को दुख पहुंचा हो तो होता है। हाँ जी, और थोड़ा क्रोध तो मालूम हो ही जाएगा, क्रोध का हो जाता है। अभी सिंपल इक्वेशन लगाने का, हमें किसी को क्रोध से, क्रोध तो मालूम हो जाता है, क्रोध से किसी को दुख दिया तो तुरंत पकड़ा जाएगा। और दूसरा मान कैसे मालूम होएगा, कुछ दिखावा करने जाते हैं तो मान समझ में आएगा, मैं होशियार हूँ मानते हो, और किसी ने बोला आप बेवकूफ हो तो अपमान लगेगा, तो अपमान जहाँ जहाँ लगता है वो मालूम हो ही जाता है, उसके पीछे मान का कारण है। कुछ नेगेटिविटी होती है तो समझ लेने का अहंकार का स्वरूप है। बुद्धि हमें क्यों नेगेटिव बताती है, क्योंकि हमारा अहंकार ऊँचा है, दूसरे का नेगेटिव दिखता है। और कुछ प्राप्ति करनी है तो लोभ काम कर रहा है, नुकसान हो गया तो बहुत जलन होएगा, समझ लोभ को दुख होता है। और कुछ भुगतने का है, किसी को मालूम ना हो जाए तो कपट आ जाता है। ऐसे धीरे धीरे स्टडी करने का, क्या हो रहा है स्टडी करोगे तो क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष सब मालूम होएगा। ये देखो ये बहन जी बताती थी तो अपेक्षा थी, बच्चों ने ये करना चाहिए, पति ने ये करना चाहिए, अपेक्षा क्यों है तो राग है, राग है तो पजेसिवनेस है, पजेसिवनेस है तो अपेक्षा है। जहाँ पजेसिवनेस है, राग है, अटैचमेंट है, अपेक्षा है, वहाँ मोह है। तो धीरे धीरे व्यक्तियों के प्रति मोह है समझ में आएगा हमें। और कभी क्रोध क्यों आता है, तो हमारी मनमानी नहीं हुई तो क्रोध आएगा, कोई इंसल्ट किया तो क्रोध आता है,
ऐसे धीरे धीरे प्रकृति का स्टडी करना, और नहीं समझ में आता है तो भी पेंडिंग रखो, कुछ हुआ भीतर में, कषाय बोला जाता है, राग द्वेष बोला जाता है, तो ही ये द्वेष होता है और सामने वाले को दुख देते थे। धीरे धीरे सत्संग के परिचय से बहुत धीरे धीरे समझ में आएगा। हाँ पूज्य श्री, जब तक समझ में नहीं आता तब तक उसी दोष को हम मान के मतलब बोल के प्रतिक्रमण कर सकते हैं। हाँ, और प्रतिक्रमण और सामायिक दो शब्द है। प्रतिक्रमण यानी क्या, किसी को दुख दिया गया कोई भी वाणी से या विचार से या वर्तन से, उसकी माफ़ी मांग लेते हैं, वो प्रतिक्रमण बोला जाता है। ये गलती हो गई, दिल से मैं पश्चाताप लेता हूँ, मुझे क्षमा करो, ऐसी गलती नहीं करने की शक्ति दो, तुम्हारा भाव प्रतिक्रमण हो गया। अभी किस वजह से हुआ उसके लिए 10-15 मिनट एनालिसिस करते हैं कि यही आदमी के साथ क्यों बार बार होता है, हमारा कुछ नेगेटिव अभिप्राय है, हमारे कुछ अपेक्षाएँ हैं, हमारे कुछ इच्छा है, वो हमें कुछ अपमान करता है, चेक करने का, नहीं मालूम हुआ तो कोई बात नहीं, और होता है तो होने दो, जो समझ में आएगा तो दोष जल्दी जाएगा। और प्रतिक्रमण तो कर सकते हैं, इसको दुख पहुंचाने तो हमें प्रतिक्रमण करने से भी हमारे आवरण कम होते जाएंगे, दोष कम होते जाते हैं। और ये जुदापन की जागृति है, ये बाबूलाल से हो रहा दोष और बाबूलाल ने प्रतिक्रमण किया, ये जागृति रखनी है, बाबूलाल के पास कराने, बात करने के, बाबूलाल आप इतना गुस्सा करते हो, प्रतिक्रमण करो, बाबूलाल स्वीकार भी करेगा, माफ़ी मांगे, एक का दोष कम होते जाएंगे। हाँ, व्यवस्थित प्रारब्ध और पुरुषार्थ में अंतर स्पष्ट करिए। हाँ, पहले प्रारब्ध और पुरुषार्थ समझ लें। प्रारब्ध यानी आप किसको प्रारब्ध मानते हो? प्रारब्ध व्यवस्थित से मिलता जुलता लगता है, मिलते जुलता है। पर प्रारब्ध यानी क्या, खाने का वो प्रारब्ध है, क्या पूजा पाठ करते वो प्रारब्ध है, क्या हम पढ़ाई करने गए बच्चे को पढ़ाई करवाया वो प्रारब्ध है, नौकरी किया वो प्रारब्ध है कि पुरुषार्थ है, कि पूजा किया वो पुरुषार्थ है कि प्रारब्ध है, यहाँ सत्संग में आए वो प्रारब्ध है कि पुरुषार्थ है? सत्संग में आए वो पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ है। और जॉब करने गए वो प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध है। और पैसा कम मिलता है वो भी प्रारब्ध है, और ज़्यादा पैसे के लिए अपेक्षा रखते वो भी प्रारब्ध है। हाँ जी। और सुबह 4 बजे उठ के पूजा करते हो, पुरुषार्थ है वो? पुरुषार्थ, वो पुरुषार्थ। और कभी कभी तबीयत बिगड़ गई तो 4 बजे नहीं उठ पाए तो क्या बोला जाएगा? पुरुषार्थ यानी क्या, हमारा स्वतंत्र है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, कोई संजोग के ऊपर आधारित है, काल के ऊपर आधारित, क्षेत्र के ऊपर आधारित, चीज वस्तुओं के ऊपर आधारित, तो फिर वो प्रारब्ध बोला जाएगा। 5 इंद्रियों के ऊपर आधारित, मन के ऊपर आधारित, वाणी के ऊपर आधारित, देह के ऊपर आधारित, कार्यों के ऊपर आधारित, कुछ सामाल के ऊपर आधारित, कम को पूजा के लिए कुछ चंदन चाहिए, कुछ श्रीफल चाहिए, तो फिर आधारित है वो सब प्रारब्ध बोला जाएगा। पुरुषार्थ यानी बहुत सूक्ष्म में है, समझ लो एक आदमी दान देता है 5 लाख रुपया तो लोग बोलेंगे वो बहुत बड़ा सत्कर्म किया, बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया। दूसरे आदमी ने भी 5 लाख दिए, हम प्राइवेटली उसको पूछने गए, साहब आपने तो बहुत बड़ी रकम लिखाई भगवान के नाम पे, अरे ये सरपंच है गांव का, वो बहुत पीछे पड़ा था हमारे, इसके लिए देना पड़ा, ये तो एक पैसा भी नहीं देता था। और दूसरे सेठ क्या बताते, मेरे पास 50 लाख होते 50 लाख देता, भगवान का काम मेरे भाग्य कहाँ से। तो दोनों कार्य सरीखा करते, कार्य वो प्रारब्ध है और भीतर में भाव है वो पुरुषार्थ है, और नेगेटिव भाव करता है, एक पैसे भी देने जैसा नहीं है, ये आदमी पॉजिटिव ऊंचा भाव करता है, 50 लाख देने जैसा है। तो दूसरी लाइफ में ये भीतर वाला भाव और पुरुषार्थ और बीज डाला, दूसरी लाइफ में उसका फल आएगा, इससे 50 लाख दिए जाएंगे, 50 लाख आएंगे भी सही, और उसके एक पैसा भी नहीं छूटेगा, मंदिर में जाएगा भगवान को जय जय करेगा, बोलेगा इतने पैसे मेरा पैसा कहाँ दिखेगा, नहीं डालना है, बुद्धि उसकी उल्टी चलेगी, पैसा नहीं छूटेगा उससे। तो इसका भाव वो पुरुषार्थ है, उसका फल दूसरे भाव प्रारब्ध होता है। पिछले भाव में भाव किए थे 5 लाख देना है, तो आज वो पुरुषार्थ का फल आज प्रारब्ध आया। समझ में आया जी सर? अभी व्यवस्थित और प्रारब्ध पुरुषार्थ में क्या अंतर है, ये अज्ञान दशा है वहाँ तक प्रारब्ध भुगतना पड़ता है और पुरुषार्थ से बीज डालता है। अहंकार जीवंत है, मैं ही बाबूलाल हूँ, मैंने किया, बुरा नहीं करना चाहिए। क्रोध आता है तो पुरुषार्थ कर सकता है कि मैं बच्चों को बहुत डांटता हूँ, मेरी बहुत पश्चाताप करता हूँ। और अज्ञान दशा में 2 पुरुषार्थ कर सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव।
डांटना ही चाहिए, नहीं तो सुधरते ही नहीं, डांटते तो ही काम करता है ये लोग, तो नेगेटिव पुरुषार्थ ज़्यादा क्रोधी होते जाएगा दूसरी लाइफ में। क्रोध होना वो प्रारब्ध है और भीतर में भाव करता है करना ही चाहिए वो पुरुषार्थ है, या नहीं करना चाहिए वो पुरुषार्थ है। और ज्ञान के बाद क्या होता है, बाबूलाल जुदा हो गया, मैं शुद्धात्मा। अभी बाबूलाल जो भी करता है वो व्यवस्थित के अधीन होता है, प्रारब्ध कहे तो हरकत नहीं, मगर प्रारब्ध जुदी चीज़ है। और जीवंत अहंकार है और कर्म का फल भुगत रहा है वो प्रारब्ध, और अहंकार चले गया बाद में डिस्चार्ज अहंकार से जो भी कार्य होता है वो व्यवस्थित बोला जाएगा। समझ में आया आपको? मुझे सिर्फ एक लास्ट छोटा सा क्वेश्चन सर, कल मेरे को अमृतसर आने का मेरा प्रोग्राम फिक्स था लेकिन मैं आ नहीं सका, तो क्या है व्यवस्थित था? अव्यवस्थित, बाबूलाल को जो भी संजोग मिले हैं अभी व्यवस्थित। आप जाने का बाबूलाल आपकी इच्छा तो बहुत थी मगर हुआ सुव्यवस्थित। अभी दूसरी बार भाव निश्चय करो, निश्चय परखा रखो, और ये हमारा कर्म फल पूरा अंतराय कर्म था वो पूरा हो गया, फल देके चले गया, और हमारी जो भावना थी वो तो कैरी फॉरवर्ड होगी हमारे, नहीं सत्संग में ही रहना है निश्चय हमारा, तो भविष्य में हमें अंतराय टूटेंगे। समझ में आया आपको? जय सच्चिदानंद।